वर्करों को भी समझना चाहिए और आंगनवाड़ी बहनों को भी कि ये सरकार की उन्हें बांटने की नीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें अपने मैनिफेस्टो में, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें उन्होंने वादा किया था कि सरकार में आने के बाद 120 दिन के अंदर हम एक कमेटी बना के आंगनवाड़ी बहनों को न्यायोचित मानदेय देंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और वादा वो पूरा नहीं कर रहे, तो अब क्या ये नीति अपना रहे हैं कि ये आंगनवाड़ी बहनें, सहायिकाएं, आशा वर्कर, ये जितनी भी हैं, क्योंकि ये इकट्ठी थी इसलिए इनको बांट के इनकी ताकत को कमजोर कर दिया जाए और सरकार इन्हें कुछ न दे। लेकिन सरकार अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश में लगभग 25 लाख आंगनवाड़ी बहनें हैं। इन 25 लाख आंगनवाड़ी बहनों का हक हम किसी सूरत में मरने नहीं देंगे। हम सड़क पर लड़ेंगे और सरकार को बताएंगे कि लड़ाई क्या होती है और उन्हें इनका हक देना पड़ेगा, 18,000 वेतन इनको देना पड़ेगा।